कैसे हैं? आपका स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब पे, इसका नाम है टेकबुक टेक्निकल। और आज हम बात करने वाले कि तुम कैसे अपने निंटेंडो स्विच के ऑफिशियल फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हो 13.0.0 में, क्योंकि फाइनली गाइस जो निंटेंडो है उसने अपना फर्मवेयर रिलीज कर दिया है, जिसमें कि हमें देखने को मिला है फर्स्ट टाइम आफ्टर 5 ईयर्स कि हम अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। बट जो हमारे कस्टम फर्मवेयर यूजर्स हैं उनके लिए दिक्कत थी कि हम कैसे अपडेट करें, क्योंकि भाई देखो जब अपडेट आता है ना तो इट्स अ रिकमेंडेशन कि प्लीज़ अपने दोनों नैंड्स को अपडेट मत करना जब तक जो तुम्हारा ऑफिशियल कस्टम फर्मवेयर है उसका अपडेट ना आ जाए। ठीक है ना, जैसे कि जो हम अभी फ़िलहाल यूज़ करते हैं वो है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उसका जो अपडेट आया है वो फाइनली कल रात को आया था, आई थिंक 1.1.0 आया था, 13.0 के लिए कंपेटेबल था। ठीक है, अगर इससे पहले तुमने अपडेट कर लिया होगा तो आई थिंक आई एम डैम श्योर ये तुम्हारा स्विच है वो एरर शो कर रहा होगा। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन शायद से आ रहा होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ जब भी कोई अपडेट निंटेंडो रिलीज़ करे तो प्लीज़ कस्टम फर्मवेयर अपडेट होने का वेट करो, वरना तुम भैया जो तुम्हारा एम्यून एंड है तुम उसे खो बैठोगे कम्प्लीटली। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि तुम कैसे अब अपने स्विच को अपडेट कर पाओगे सेफली बिना किसी बैन के और बिना किसी एरर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम कैसे अपने निंटेंडो स्विच के सिसनेंड को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी बात है यार। सुनो, तुम क्या करो, जो तुम्हारा सिसनेंड है ना वहाँ जाओ, खोलो, सेटिंग्स में जाओ, वहाँ आएगा अपडेट सिस्टम और उसे तुम ऑनलाइन अपडेट कर दो, तुम्हें कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तुम उसे अपडेट कर दो, जब वो तुम्हारा अपडेट हो जाए तो अब आते हैं यार एम्यूनेंड पर। ठीक है, अब हम कैसे अपना एम्यूनेंड अपडेट करें। तो जब भी कोई अपडेट आता है तो हमें हमेशा तीन चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं अपने एम्यून एंड के लिए। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या। सबसे पहले हमारा कस्टम फर्मवेयर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये आ चुका है 1.1.0 जो कि कंपेटेबल है फाइनली 3.0.0 के साथ। ठीक है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। देन जब ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद हमें जो हमारा सेकेंड चीज़ हमें अपना अपडेट करने के लिए चाहिए वो है ऑफकोर्स ये बात है यार सिक पैचेस, जो कि 13.0.0 के लिए सपोर्टेड हो चुका है, तो कर लेंगे हम हैकेटे वर्जन बिकॉज वी आर एसएक्स कोर यूजर्स। उसके बाद हम कर लेते हैं अपना हैकेटे को ऑफकोर्स ये अपडेट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ चुका है 13.0, शायद से ये भी हो चुका है एज यू कैन सी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 13.0.0 के लिए कंपेटेबल है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। जब ये तीनों डाउनलोड हो जाएं तब तुम्हारा फर्मवेयर है ना, तुम्हें अपने एम्यून एंड को ऑनलाइन अपडेट नहीं करना है। अगेन, डोंट अपडेट योर एम्यून एंड फ्रॉम ऑनलाइन सर्वर्स, हमेशा ऑफलाइन रखो, क्योंकि जो तुम्हारा एम्यून एंड है उसमें वाले उसमें एक तुम्हारा सॉफ्टवेयर होगा जो कि है डे ब्रेक। ठीक है, तो तुम उससे अपने निंटेंडो अपने फर्मवेयर अपडेट कर पाओगे एम्यून एंड के ऑफलाइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिंक मैं तुम्हें डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फर्मवेयर 13.0.0 तो मैंने पहले से कर रखा है। तो ये हैं वो चार चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो इन्हें कर लो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको एक्सट्रैक्ट बारी बारी से। तो ये हमने कर लिया है एक्सट्रैक्ट, यस ठीक है, तो हमने कर लिया है ये एक्सट्रैक्ट। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ क्या करो। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा स्विच है उसका एसडी कार्ड निकालो, अपने पीसी में पुट करो और उसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके गाइस, सो हमने अपना जो है स्विच है वो प्लग कर लिया है पीसी में और ये हमारा पूरा स्विच है। ठीक है, ये मैंने मूवी देखी थी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर फोल्डर है ना उसे खोलो, जो भी फाइल्स हैं उसे तुम यहाँ पर ड्रैग करो एंड देन यहाँ पर जो भी आया कॉपी कर देना, यहाँ अगर रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन कर दो और ये तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि तुम्हें अपना खोलना है हैकेटे। हैकेटे में वही सेम चीज़ है यार, कॉपी करो एंड देन ड्रैग एंड देन पेस्ट एंड देन रिप्लेस, जब तुम्हारा काम ये हो जाए ना उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद ये हो जाए कट कर दो, उसके बाद तुम खोलो हैकेटे CTRC, फिर तो तुम इसको यहाँ से करो कॉपी, यहाँ करो पेस्ट और जब ये हो जाए तो जो तुम्हारा ये payload.bin होगा ना उसको कर देना डिलीट। ठीक है, ये हमने कर दिया है डिलीट। यहाँ जो तुम्हारा नया वर्जन होगा 5.6.2
उसे कर देंगे रीनेम पे लोड में, दैट्स इट, पे लोड्स नहीं, पे लोड में जी, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा फर्मवेयर वर्जन है, तो जो तुम्हारा फाइल होगा ना उसे पूरा कॉपी कर लो, फर्मवेयर फाइल को, ठीक है। जब ये कॉपी हो जाएगा उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें क्या करना है। सिंपल सी बात है यार, एसडी कार्ड को इजेक्ट करो, अपने स्विच में लगाओ, उसके बाद जो तुम्हारा स्विच है उसमें कस्टम फर्मवेयर लॉन्च करो एटमोसफेयर। आगे तुम दिखाता हूँ तुम्हें करना क्या है, ठीक है। मैं वीडियो जो है पॉज कर रहा हूँ। ओके गाइस, जब आपका स्विच ऑन हो जाएगा ना एमयू नेंड में, तो इसे आपको जाना है, एक मिनट, जो ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेने देते हैं। हाँ, तो जब आपको ये खुल जाएगा एमयू नेंड, तो आपको जाना है एल्बम में, और उसके बाद आपको जाना है डे ब्रेक में। जब यहाँ आ जाएंगे डे ब्रेक में, तो यहाँ इंस्टॉल द फर्मवेयर। तो जो भी हमने फर्मवेयर अपने स्विच में डाला था ना एसडी कार्ड में 3.0.0, उसे चूज़ कर लेंगे यहाँ से। लेट मी चूज़, ये रहा फर्मवेयर 3.0.0, ये दबाएंगे, ये आ रहा है वैलिडेटिंग द अपडेट। थोड़ा वेट कर लेते हैं अपन, जब ये वैलिडेट कर लेगा तो यहाँ आएगा कंटिन्यू, तो इसे करेंगे कंटिन्यू। यहाँ आएगा रीसेट फैक्ट्री रीसेट, और लिखा है प्रिजर्व सेटिंग्स, तो करेंगे प्रिजर्व सेटिंग्स। कहाँ है FAT32 इंस्टॉल कर लेंगे। हर श्योर? यस आई एम श्योर, ठीक है। तो ये कर लेते हैं अब इंस्टॉलिंग अपडेट्स। तो जब ये पूरा हो जाएगा ना, तब उसके बाद जो तुम्हारा अपडेट है वो पूरा हो जाएगा एमयू नेंड में, ठीक है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, एमयू नेंड को हमेशा ऑफलाइन अपडेट करना डे ब्रेक से, और सिस नेंड को डेफिनेटली तुम अपडेट कर देना अपने ऑनलाइन जाके, ठीक है। बिकॉज जो तुम्हारा सिस नेंड है वो है ही ऑनलाइन जाने के लिए, लेकिन एमयू नेंड में कभी भी भूल कर अपडेट मत करना, वरना तुम्हारा जो कंसोल है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। डे ब्रेक इज द सेफेस्ट मेथड टू अपडेट योर निंटेंडो स्विच, ठीक है। जब भी कोई अपडेट आए ऑफिशियली निंटेंडो स्विच की ओर से, तो भाई थोड़ा वेट कर लो कस्टम फर्मवेयर को इसके लिए बनने के लिए। देन जब कस्टम तुम्हारा बन जाए इसके लिए नए अपडेट के लिए, तब तो अपना जो स्विच है उसे अपडेट करो, वरना जो तुम्हारा एमयू नेंड है वो तुम्हारा उड़ जाएगा। तुम्हारा जो तुम्हारा डेटा है, गेम सेव्स है, गेम बैकअप्स है, सब के सब तुम्हारे उड़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के लिए, ठीक है। तो अपडेट आए, डोंट अपडेट, जस्ट वेस्ट जस्ट वेट फॉर द कस्टम फर्मवेयर, ठीक है। जब भी अपडेट आए तो वेट कर लो मेरे भाई कस्टम फर्मवेयर को अपडेट होने के लिए, ठीक है। हो जाए तब तुम्हें तीन चीज़ें अपडेट करनी है एवरी टाइम, जब भी अपडेट कुछ जब भी अपडेट आता है, एटमोसफियर इटसेल्फ, देन सिक पैचेस, एंड देन हैकेटे, और जो तुम्हारा एमयू नेंड है उसको तुम अपडेट करने करना है, ठीक है। देखो ये 100% हो गया है, तो जब ये 100% हो जाएगा तो यहाँ आएगा रिबूट का ऑप्शन, तो अपन उसे रिबूट कर लेंगे। तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, तो जब ये रिबूट होगा तो तुम्हारा जो एमयू नेंड है वो 13.0.0 में अपडेट हो चुका होगा, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी यार, ठीक है। तो मैं जो वीडियो है पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं है मुझे करनी यार। तो देखो भाई, ये ऑन हो चुका है स्विच आफ्टर द अपडेट विद द डे ब्रेक। ये हमारा एमयू नेंड है, अगेन ये हमारा एमयू नेंड है, ठीक है ना, ये हमारा सिस नेंड नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, ये हो चुका है अपडेट हमारा एमयू नेंड, तो इसे खोल लेते हैं, देन गो टू सेटिंग्स चेक करने के लिए। देखो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो, फाइनली मतलब जो हमारा कस्टम फर्मवेयर है एटमोसफेयर ई, मतलब एमयू नेंड 13.0.0, ठीक है। तो ये फाइनली अपडेट हो चुका है बिना किसी इंटरनेट के, ऑफलाइन हमने इसको अपडेट कराया है डे ब्रेक से। जो तुम्हारा सिस नेंड है ना, उसको तुम सीधा सीधा तुम सेटिंग में जाओ, फॉर द सिस नेंड, यहाँ आएगा सिस्टम, यहाँ आएगा अपडेट, इस पर क्लिक करना, जो तुम्हारा स्विच है उसे ऑनलाइन लगाना, अपडेट कर लेना, बट ओनली फॉर सिसनेट, ठीक है ना, एनुअल के लिए नहीं है। सो बाय बाय।